वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज 28 तारीख है, 28 ऑफ नवंबर, और आज मैं आई हूँ बर्थडे पार्टी में। तो मैं किसकी बर्थडे पार्टी में आई हूँ, तो वो बहुत ही स्पेशल है, वो इंसान जिसके बर्थडे पार्टी में मैं आई हूँ। एंड आज मैं आपको पूरा बर्थडे पार्टी दिखाऊंगी, और ये सब बहुत ही स्पेशल है, हर चीज़ हमने बहुत ही स्पेशल तरीके से किया है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि सारा जितना भी डेकोरेशन है, एवरीथिंग सबने मिलके किया है। मतलब हमने कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं, मतलब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सबको मिलके ही करना पड़ता है, तो हमने मिलके किया है। तो आई विल शो यू कितना सुंदर, कितना स्पेशल है हर चीज़। ओके तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल नूरवी, हम इसे प्यार से माओ बुलाते हैं। एक्चुअली हम लोग सबको इसे प्यार से माओ बुलाते हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा भी इन्हें माओ बुलाते हैं। है ना प्यारी सी, क्यूट सी बेबी। ये है वेन्यू जहाँ पे माओ का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। माओ, माओ के मम्मी पापा जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी का ये कॉमन क्लब हाउस है, जहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ जो भी है, क्योंकि अभी ठंड आ गई है तो बाहर में पार्टीज़ होती नहीं है, तो अंदर में ही जो होता है होता है। तो ये है ना, कॉमन है, तो ये हम लोग लिए थे एंड यहीं पे माओ का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि बहुत ही सारी चीज़ें लाइन अप। तो केक कटिंग हो गया, फिर उसके बाद हमने थोड़े मस्ती किए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, आगे जाके वीडियो में आपको दिखेगा। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है। मतलब जब बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये तो फॉरेन में रहते हैं, इनके तो मज़े हैं, मस्ती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। इंडिया में क्या है, पैसे दे दो, वेन्यू डिसाइड कर लो, सब कुछ अरेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ए टू जी हर चीज़ करना पड़ता है। इवन बैक स्टेज भी क्या क्या हो रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। फिर से बोलो, चलो लाइक सब्सक्राइब ये देखिए मेरे फ्रेंड लोग सब मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। ओके चलो ठीक है, वीडियो में अब आगे बढ़ते हुए ये सब देखो, गिफ्ट्स वगैरह सारे हैं। ये सब गिफ्ट्स वगैरह माओ को मिले हैं और कुछ गिफ्ट्स हमें भी मिले हैं, मतलब एज अ रिटर्न गिफ्ट। वाओ भाभी थैंक यू सो मच हमें सबको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, कितना करते हो यार आप हमें, हमारे लिए रियली मीन्स अ लॉट। और ये सब देखिए, ये सब स्नैक्स है जो कि होम मेड है, चिप्स और चॉकलेट को छोड़ के बाकी सारा चीज़ होम मेड था। फिर किचन में जितने भी खाने रखे हुए हैं सारा होम मेड, इवन ये केक, केक भी होम मेड था, कैन यू बिलीव, सारा चीज़ घर का ही बना हुआ था। ओके तो केक कट गया है एंड नाउ इट्स टाइम कि अब हम लोग डिनर करेंगे। तो यहाँ पे डेनमार्क में क्या होता है कि पहले सब डिनर करते हैं, तब फिर उसके बाद लास्ट में केक खाते हैं। तो फिर हम लोग भी वैसा ही शायद करने वाले हैं, क्योंकि हमने कुछ डेनिश फ्रेंड लोगों को भी इनवाइट किया है, मतलब जो भाभी हैं जिनके बेबी का बर्थडे है, तो उन्होंने उनके कुछ फ्रेंड्स हैं डेनिश फ्रेंड, तो उन लोग को इन्वाइट किया है। तो वो बोली कि हम लोग पहले डिनर कर लेंगे एंड उसके बाद फिर केक खाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, चेक करते हैं। ओके क्या बनाया है आपने? चिकन करी। ओ माय गॉड, चिकन फ्राई, चिकन फ्राई, देयर इज द चिकन, ओ माय गॉड, यम यम। और क्या है मेन्यू में? राइस। ओह वाओ, और ये वेज पुलाव, उधर मैं आ रही हूँ। ये क्या बना रहे हो आप? वेज पुलाव। बना रहे हो या बना हुआ है? अच्छा, और क्या था इसमें? क्या है? राइस। दिखाओ। और ये स्पाइसी चिकन, चिकन करी दो है इसमें, वो भी आपने बनाया? ओह माय गॉड, सी वी हैव द हेड शेफ हियर, यस।
हाय भाभी, बताओ कैसा लग रहा है आपको आज आपकी बेटी 3 साल की हो गई है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हैप्पी? और सब अच्छे से हो गया? या सबने हेल्प कर दी, सब अच्छे से अरेंज हो गया डेनमार्क में, है ना? And here is my husband. He's so busy. Yeah, he has to be. And ये baby के पापा हैं. चलिए बताइए कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? आज 3 साल की हो गई है माँ. Yes. तो बताइए. बहुत मुश्किल है समझना. Okay. But I'm happy. Yeah. Everything अच्छे से हो गया है, सब कुछ है ना? Yes, enjoying. हाँ. क्योंकि हमने डेनिश फ्रेंड लोगों को इनवाइट किया था, तो यहाँ पे डेनिश लोग 7 बजे को डिनर कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग सब कुछ सारा चीज़ अरेंज करने चले गए. हमने भी स्नैक्स खाए थोड़े बहुत, फिर डिनर थोड़ा लेट से किया. ये देखो आप. मैंने खा लिया, मैं सो गया. आप तो कोई शादी वाला वीडियो बना रहे हो. मेरी प्लेट नहीं दिखनी चाहिए. नो, मैंने इसलिए प्लेट पहले साइड में रख ली. क्या मतलब फोटो नहीं हो रहा है? आप कैसे खड़े हो? अरे आपकी प्लेट का है. हम दबा के खा चुके. सर के बाल मत दिखाना, बाकी कुछ भी इधर इधर खा रहे हैं. कशिका की प्लेट कहाँ गई? कशिका ने ऑलरेडी खा लिया. खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा बना है. एवरीथिंग इज यम्मी. यस. हाय, थैंक यू सो मच. हु इज मेकिंग फेसेस? फिर खाने के बाद भाभी ने माओ से सबको रिटर्न गिफ्ट दिलवाया. सबके लिए रिटर्न गिफ्ट लाई थी भाभी. हाउ स्वीट ऑफ यू भाभी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा फिर हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया. उसके बाद जो भी उनके फ्रेंड लोग थे वो लोग तो घर चले गए. फिर हमने सारा कुछ क्लीनिंग करके, सब कुछ थोड़ा बहुत इंजॉय करके फिर हम लोग घर गए. तो आपको वीडियो में आगे जाके देखने को मिलेगा. कुछ डेनिश फ्रेंड लोग आए थे, तो हम लोग उन लोग के साथ थोड़ा इंगेज थे, थोड़ा बात बात करने में, गेम्स वगैरह करवाने में. और इधर जितने भी बॉयज़ लोग हैं सब किचन में क्लीनिंग में कुछ कुछ कर रहे थे. सारा जो भी खाना एक्स्ट्रा बचा हुआ है सबको साइड करके सब कुछ रैप अप करना था, और सब कुछ क्लीनिंग भी करना होता है. मतलब जैसे लिया है इस क्लब हाउस को वैसे ही हमें वापस क्लीन करके हर एक चीज़ हटा के देना पड़ता है. ऐसे नहीं हम लोग दे सकते, तभी फिर दोबारा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, वी हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ क्लीन होना चाहिए. ये देखिए सब क्लीनिंग में लगे हुए, सब कोई नहीं, सब ने इक्वली बहुत हेल्प किया. इवन चेयर टेबल सब कुछ हटा हटा के क्लीन हुआ. उसके बाद सारा चेयर को सब कुछ अरेंज किया सब ने. फिर जो भी वहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह थे सबको रखा टेबल के अंदर. जो भी वहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल था, सारे जितने भी किचन यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स ग्लासेस सब कुछ अवेलेबल था. तो सब कुछ सब ने फिर अरेंज किया. इसीलिए हमने अरेंज कर लिया क्योंकि जस्ट अभी सब ने डिनर किया था, तो सब बहुत एनर्जेटिक थे, तो सब बोले अभी कर लेते हैं. उसके बाद फिर जब गेम्स वगैरह खेलेंगे तो फिर वो एनर्जी नहीं रहेगी, इसीलिए सब ने कर लिया. उसके बाद जाके सब मज़े करने लगे, फिर गेम्स खेलने लगे. पहले बॉयज़ लोग गेम्स खेले, फिर गर्ल्स लोग का टर्न आया, फिर कपल गेम्स था, बहुत सारी चीज़ें थे. हम सबका बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ. हम सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही मज़ा आया. कि क्योंकि जो बर्थडे पार्टी जो भी सबने सोचा था, भैया भाभी ने उनका उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उन लोगों ने सोचा था कि हाँ ऐसे मनना चाहिए, तो वैसे ही सेलिब्रेट हुआ. तो कुछ भी अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगता है, सबको खुशी होती है. प्लस देखो यहाँ पे सब कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं. तो बस मस्ती और इंजॉय ही नहीं, यहाँ पे देखिए ये है फॉरेन, यही ये है रियलिटी. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ बस हम लोग इंजॉय करते हैं,
सारा चीज़ खुद से करना पड़ता है, ए टू जी यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आपने देखा कि कैसे किचन में सारा खाना बनाना से लेकर क्लीनिंग, इवन ये भी अभी हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, सारा चीज़ हमें क्लीन अप करके ही जाएंगे हम लोग घर। So this is actually the reality of foreign. Okay, तो finally birthday party end हो गई है हमारी मस्ती, हमने बहुत मस्ती किया और अब it's time to go home. अभी भी लोगों में excitement है, देख रहे हो? इधर भी क्योंकि आज बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर चलिए, फिर मैं अपने वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय। फिर फाइनली सब कुछ रैप अप करके हम लोग घर को चल दिए। ये देखिए सब जा रहे हैं सारा चीज़ लेके, और मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ कि देखो अंदर जैसे हम लोग लिए थे वैसे ही सब कुछ क्लीन करके अरेंज करके छोड़ के जा रहे हैं। ये देखो आप, एवरीथिंग इज क्लीन।